सत श्री अकाल दोस्तों, जुड़ चुके हो टूडे पंजाब न्यूज चैनल के नाल ते लेके हाजिर होए हैं दोपहर दियां ताज़ा तरीन वड्डियां खबरां। दोस्तों इन्हां खबरां नूं शुरू कर तो पहले एक बारी निक्की जी नज़र चोणवीआं खबरां ते। पहली चोणवीं खबर है 1 अक्तूबर तो देश च होण जा रहे हैं ये वड्डे बदला, आम आदमी ते पवेगा सीधा असर। VVIPs लई मान सरकार भाड़े ते लैण जा रही जहाज टेंडर हो गया जारी, आजो तुसीं वी लगा दिओ बोली। विजिलेंस विभाग ने भाजपा आगू मनप्रीत सिंह बादल दे सते चंडीगढ़ स्थित रिहायश से मारिया छापा। UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटियां की लिस्ट की जारी, किते तुसी तां नहीं लिया दाखला। CM मान का ऐलान, जल्द ही जमीना की रजिस्ट्री लई NOC का मुद्दा करांगे हल। जेल च अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों ने शुरू किया प्रदर्शन, जाणो वजह। 1 अक्तूबर तो पूरे अमरीका च लगेगा शटडाउन, रुक जाणियां 3-3 लाख मुलाजमान दीआं तनखाहां। वैदर मानसून नूं अलविदा पर बारिश नूं नहीं, इन्हां राज्यां च अज होवेगी भारी बारिश, लोकां नूं कीता गया अलर्ट। मूसेवाला कतलकांड, लॉरेंस बिश्नोई दे भांजे सचिन नूं पुलिस लैके आई पंजाब, अदालत ने 6 अक्तूबर तक रिमांड ते भेजिया। तुहाडी पेंशन नाल जुड़ी वड्डी खबर, EPFO ने लिया वड्डा फैसला, पूरा वेरवा जानने लई देखो खबर। तो दोस्तों ये सीगियां आपणियां इस वेले दीआं चोणवीआं खबरां। हुण गल करदे आं इन्हां खबरां दी विस्तार नाल। पहली खबर है कि 1 अक्तूबर तो देश में होने जा रहे हैं ये वड्डे बदला, आम आदमी से पवेगा सीधा असर। दोस्तों हर महीने की पहली तरीक बहुत खास होंगी है, तो यह तरीक अपने नाल कई बदलाव लैके आउंदी है जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। हर वार की तरह इस बार भी 1 अक्तूबर की 6 अक्तूबर की 1 तरीक लई बदलाव लिया रही है। जेकर तुसी इन्हां बदलावों तो जाणू नहीं हो तुहानू भारी नुकसान हो सकता है। आओ जानते हाँ ये बदलाव की ने जो हर किसी नूं प्रभावित करनगे। नहीं चलेगा 2000 का नोट, 1 अक्तूबर तो 2000 रुपए के नोट वैध नहीं रहेंगे। जेकर तुहाडे कोल भी 2000 रुपए के नोट हैं तो इसनों हाले तक नहीं बदलिया तो इसनों 30 सितंबर तक बदल लो। 30 सितंबर जाने कि अज का आखिरी दिन 2000 रुपए नोट बदलन का, इस तो बाद आखिरी जिहड़ा 2000 रुपए के नोट नहीं बदले जाएंगे। CNG ते PNG की कीमत ऐलान हो सकता है। LPG दीआं कीमतां दे नाल तेल कंपनियां हर महीने CNG ते PNG दीआं कीमतां भी बदलदियां ने। एयर फ्यूल ATF दी कीमत भी हर महीने दी पहली तारीख नूं बदलदी है। संभावना कि इस बार भी पहली तरीक नूं इस च बदलाव देखण नूं मिल सकदा। इस दे नाल ही CNG ते PNG दीआं कीमतां विच भी बदलाव कीता जा सकदा। LPG सिलेंडर दी कीमत, देश विच तेल ते गैस वंडण वालियां कंपनियां हर महीने दी पहली तरीक नूं कीमतां च बदलाव करदियां ने। अजिहे च उम्मीद की जा रही है कि 1 अक्तूबर में LPG दी कीमतों में भी कोई बदलाव हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग ते 28% जो हुण टैक्स लगेगा, विदेश जाना भी 1 अक्तूबर तो महंगा हो जाएगा। बचत योजनावां नूं लिंक कर लो, नहीं तो इस तो बाद तुसीं लिंक नहीं कर सकोगे। जिवें कि PPF पोस्ट ऑफिस अते सुकन्या समृद्धि योजना नूं 30 सितंबर तक आधार नाल लिंक करना जरूरी है। जेकर तुसीं अजिहा नहीं कर दिता 1 अक्तूबर तो तुहाडा खाता फ्रीज कर दिता जाएगा, तो इस तो बाद तुसीं कोई लैण देण जां निवेश नहीं कर सकोगे। इस नाल ही वधदे अगली खबर वल। VVIPs लई मान सरकार भाड़े ते लैण जा रही जहाज टेंडर हो गया जारी, आ चुके तुसीं वी लगा दिओ बोली। पंजाब सरकार अपने VVIPs लई लंबे सफर नूं आसान बनाउण जा रही है। मान सरकार VVIP लई भाड़े ते इक जहाज लैण जा रही है, इस संबंधी टेंडर भी जारी कर दिते गए ने। इह टेंडर पंजाब सरकार दे डायरैक्टर ऑफ सिविल एविएशन विभाग वल्लों जारी कीते गए ने। विभाग वल्लों जारी नोटिफिकेशन मुताबक जानकारी मिली है कि सरकार यह जहाज 6 महीने लई किराए ते लैण जा रही है, इस दीआं सीआं 8 तो 10 होणियां चाहीदियां ने। जहाज समेत क्रू मैंबर की लोड़ है, जिहड़ा भी दिलचस्पी रख रहे पंजाब सरकार दे पोर्टल eproc.punjab.gov.in ते बोली लगा सकते। इस संबंधी जानकारी RTI एक्टिविस्ट मानिक गोयल ने दिती है। मानिक गोयल ने ट्वीट करके लिखा कि एक होर VVIP जहाज का टेंडर भगवंत मान सरकार वालों कढ़िया गया ताकि केजरीवाल नूं कंपेन लई होर सूबे विच घुमाया जा सके। पंजाब बहुत छोटा, कदे भी किसी मुख्यमंत्री ने जहाज नहीं वरत्या क्योंकि पंजाब च जहाज कम ही नहीं आ सकता। पंजाब कोल अपना हैलीकाप्टर जिसकी वरतों होर मुख्यमंत्री करदे सन अते भगवंत मान दा मजाक बनाउंदे सन, पर भगवंत मान वालों दोबारा हवाई जहाज का टेंडर कढ़िया गया ताकि केजरीवाल नूं कंपेन लई होर सूबे च घुमाया जा सके। इस कंपेन का रोज का करोड़ों रुपए पंजाब के लोगों सिर पवेगा। अज कल भी जो केजरीवाल जहाज वरते ने पंजाब के लोगों के टैक्स के पैसे दा एवें नहीं 1.5 साल बिना कुछ बनाए 50,000 करोड़ का कर्जा लिया गया है। अगली खबर, विजिलेंस विभाग ने भाजपा आगू मनप्रीत सिंह बादल की चंडीगढ़ स्थित रिहायश से मारिया छापा।
पंजाब के सबका मंत्री और भाजपा आगू मनप्रीत सिंह बादल की चंडीगढ़ स्थित रिहायश की विजिलेंस विभाग ने छापा मारे। चंडीगढ़ के डीएसपी कुलवंत सिंह ने कहा है कि उन्होंने इतने कुछ नहीं मिले। मनप्रीत सिंह बादल ने जमानत पटीशन दायर की है, इसनू 4 अक्तूबर सूचीबद्ध किया गया है। UGC ने फर्जी यूनीवर्सिटियां की लिस्ट की जारी कि तुसी तां नहीं लिया दाखला। यूनीवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने फर्जी यूनीवर्सिटियां की सूची जारी कर दी है। सूची विच दिल्ली के उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चल रही फर्जी यूनीवर्सिटियां शामिल हैं। UGC ने यह सूची जारी की जो विद्यार्थी और उन्होंने मापे इन्हों यूनीवर्सिटियों प्रति सुचेत रहन। इस ही UGC ने राज्यों इन्होंने यूनीवर्सिटियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस राज्य सरकार यूनीवर्सिटी दफ्तर बी नंबर 608 तो 609 पहली मंजिल संत कृपाल सिंह पब्लिक ट्रस्ट बिल्डिंग BDPO दफ्तर नेड़े अलीपुर दिल्ली 11036। अगली हैगी यूनीवर्सिटी कमर्शियल यूनीवर्सिटी लिमिटेड दरियागंज दिल्ली, संयुक्त राष्ट्र यूनीवर्सिटी दिल्ली, वोकेशनल यूनीवर्सिटी दिल्ली हैगी है। ADR सेंट्रिक जुरिडिकल यूनीवर्सिटी ADR हाउस 8J गोपाला टावर 25 राजेंद्र प्लेस नवी दिल्ली 110008 भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान नवी दिल्ली अध्यात्मिक यूनीवर्सिटी 351-352 फेज़ 1 ब्लाक विजय विहार रिठाला रोहिणी दिल्ली 110085। ये जड़िया फर्जी यूनीवर्सिटियां हैगियां जी। अगली खबर CM मान का ऐलान, जल्द ही जमीन की रजिस्ट्री लिए NOC का मुद्दा करांगे हल। मुख्यमंत्री भगवंत मान कल संगरूर पहुंचे, इतने उन्होंने 12 अति आधुनिक लाइब्रेरियां पंजाबियों समर्पित कीतियां। ऐलान किया कि अजिहियां 16 होर लाइब्रेरियां का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विश्व पद्धरी लाइब्रेरियां अति आधुनिक सहूलतों लैसन लाइब्रेरियां विच एयर कंडीशनर इनवर्टर CCTV कैमरे वाईफाई ते होर आधुनिक सहूलत मुहैया की गई ने। इन लाइब्रेरियां विच वक् वक् विषयां दीआं बेशकीमती पुस्तकां ने जिहड़ियां पुस्तकां प्रेमियों अपने वल खिंच रहीआं ने। इस दौरान CM मान ने कहा कि सूबा सरकार जल्द ही जमीनों की रजिस्ट्री लई NOC संबंधी मुद्दा भी हल करेगी। उन्होंने कहा कि इस मंत्रों लई जमीन की पछाण और हदबंदी लई आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की शुरुआत की जा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि सूबा सरकार माल पुलिस कर सेहत खेतीबाड़ी तो होर विभागों में नवी क्रांति लियाउण लई पूरी तरह तैयार है। जेल च अमृतपाल सिंह ते उसके साथियों ने शुरू किया प्रदर्शन, जाणो वजह। असाम के डिब्रूगढ़ जेल च बंद अमृतपाल सिंह, दलजीत कालसी ते उन्होंने होर साथियों ने पत्र लिखे। ये पत्र उन्होंने डिब्रूगढ़ जेल के सुपरडेंट नूं पत्र लिखा गया। इस वजह कारण रोस प्रदर्शन हो रहे हैं। अपने पत्र में लिखा कि वह डिब्रूगढ़ जेल में ही प्रदर्शन शुरू किया क्योंकि वकील और परिवार नाल मिलने की परमिशन च देरी होंदी है ते कई कई घंटे मिलने लई इंतजार करना पैंदा है। अमृतपाल सिंह, दलजीत सिंह कालसी ते उन्होंने होर साथियों ने पत्र में डिप्टी कमिश्नर खिलाफ़ इतराज़ जताया। उन्होंने मानसिक तौर पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने जेल बंदी का विरोध किया है ते कहा कि DC अमृतसर साढ़े नाल गलबात करना। अगली खबर, 1 अक्तूबर तो पूरे अमरीका च लगेगा शटडाउन, रुक जाएंगी 33 लाख मुलाजमान दी तनखाहां। विश्व की सब तो वड्डी अर्थव्यवस्था अमरीकी सरकार एक अणमिथे समय लई शटडाउन करन दी तैयारी कर रही है। इस विच सारियां राज एजेंसियां नूं खर्चा नूं तरजीह देण लई संकटकालीन तैयारी विच जाण लई सूचित किया गया क्योंकि कांग्रेस सैनेट दे निरंतर रेजोल्यूशन बिल का समर्थन करन विच असफल रही ते इस तों पहलां दे रक्षा खर्च बिल नूं वोट दिता सी। दरअसल सरकारी फंडिंग फैडरल वित्तीय साल अज 30 सितंबर 2023 खत्म हो रहा है। इस तो पहला सरकार ने विरोधी धिर की सहमति लैके फंडिंग योजना पास करवाना होगा। जेकर अजिहा नहीं होया तो 1 अक्तूबर तो देश में शटडाउन हो सकता। जेकर अजिहा होंगे तो वड्डा वित्तीय संकट देखने मिलेगा, मुलाजमान सैलरी नहीं मिलेगी, स्कीम रुक जाएगी, लोगों रोजाना दरूरत वस्तु मुश्किलों का भी सामना करना पवे। अगली खबर मौसम नाल जुड़ी है जी। मौसम नूं अलविदा पर बारिश नूं नहीं, इन्हां राज्यां च अज होवेगी भारी बारिश, लोकां नूं कीता गया अलर्ट। लगातार 3 महीने तक देश नूं डुबण तों बाद हुण मानसून हौली हौली रवाना होण लगा। इसदे नाल ही तापमान भी हौली हौली हेठां आउणा शुरू हो गया। अगले 1-2 दिनां दौरान उत्तर पछम ते पछमी भारत के कुछ हिस्सों तो मानसून वापस जाने हालात अनुकूल बन रहे हैं। हालांकि देश के वक्-वक् हिस्सों च अजे भी हल्की बारिश जारी है। कर्नाटक, दक्षणी कोंकण ते गोवा के उत्तरी तट नेड़े पूर्वी मध्य अरब सागर उत्ते एक घट दबाव वाला खेत्र बनया होया। यह दबाव वाला खेत्र अगले 24 घंटे दौरान हौली हौली उत्तर पछमी दिशा वल वध सकदा है। म्यांमार अते इस दे नाल लगदे पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी उत्ते चक्रवाती चक्कर के कारण पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी उत्ते भी एक घट दबाव वाला खेत्र बन गया। उत्तरी उड़ीसा ते पछमी बंगाल के तट ते पछम वल वधन की संभावना है।
अगली खबर मूसेवाला कतलकांड लॉरेंस बिश्नोई के भांजे सचे नूं पुलिस लैके आई। पंजाब अदालत ने 6 अक्टूबर तक रिमांड से भेजा। लॉरेंस बिश्नोई के भांजा ते पंजाब के मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला के कतल की साजिश के दोषी गैंगस्टर सचिन थापर पुलिस प्रोडक्शन वरंट दी दिल्ली तो मानसा लैके आई है, जिथे उसका मैडिकल करवाने तो बाद उसनू अदालत में पेश किया गया। अदालत ने थापर 6 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड से भेज दिता है। मूसेवाला कतलकांड के मुख्य मुलजम सचिन थापर 1 अगस्त को अजरबाईजान तो दिल्ली भेज दिया गया। सचिन बिश्नोई उर्फ सचिन थापर पिछले साल अजरबाईजान भज गया, जिथे उसनू पुलिस ने हिरासत में लै लिया। दिल्ली की अदालत ने सचिन थापर 10 दिन पुलिस रिमांड से भेज दिया। इस दौरान सुरक्षा कारण करके लॉरेंस बिश्नोई के भतीजे सचिन अदालत में पेश नहीं किया गया, जिसनों लॉकअप में ही पेश किया गया। सचिन अपना पूरा नाम सचिन थापन लिखता है, जबकि उस को तिलक राज टुटेजा के नाँ का पासपोर्ट बरामद होया। सचिन के पिता का असली नाम शिवदत्त है, तो फर्जी पासपोर्ट से उसके पिता का नाम भीम सिंह लिखा हुआ। 26 साल सचिन खिलाफ दर्जन के करीब अपराधिक मामले दर्ज ने। मूसेवाला के कतल तो बाद सचिन ने सोशल मीडिया से मूसेवाला के कतल की जिम्मेवारी ली थी, कहा कि उसने अपने भरा विक्की मिड्डू खेड़ा के कतल का बदला लैने लिए कतल किया है। अगली खबर तुहाड़ी पेंशन नाल जुड़ी वड्डी खबर। EPF ने लिया वड्डा फैसला, पूरा वेरवा जानने लिए देखो खबर। कर्मचारी भविख निधि संगठन ने EPF ने वध पेंशन लिए तनखाह ते भत्तियां दे वेरवे जमा करवाउण दी आखिरी मिति 3 महीनों लिए वधा दित्ती है। रुजगारदाता हुण इन्हां वेरवे 31 दिसंबर 2023 तक अपलोड कर सकदे ने। कित मंत्रालय दे जारी बयान मुताबक तनखाह दे वेरवे जमा करवाउण दा समां सीमा 30 सितंबर नूं खत्म हो रही है। हालांकि वख वख मालकां ते रुजगारदाता यूनियनां दे सुझावां तों बाद इस विच वादा कीता गया। कित मंत्रालय के बयान अनुसार पेंशनर मैंबरों लिए यह सहूलत 26 फरवरी 2023 में शुरू की गई थी। इस तहत आरडिया जमा करवाने की आखिरी मिति 3 मई 2023 सी। हालांकि बाद में कर्मचारियों की बेनती पर विचार करते हुए उच्च पेंशन लिए अरजियां जमा करवाने की मिति 26 जून 2023 तक वधा दी गई थी। योग पेंशनर मैंबरों इस मुद्दे को हल करने 15 दिनों का आखिरी मौका दिता गया। इस तहत कर्मचारियों विकल्प संयुक्त विकल्प की तस्दीक अर्जियां जमा करवाने की आखिरी मिति 11 जुलाई 2023 तक वधा दी गई सी। हुण जिहड़ी इसकी आखिरी मिति 31 दिसंबर 2023 तक वधा दी गई है। तो दोस्तों इस नाल ही अपनी दोपहर दी खबरां खत्म होंदियां ने। मिलदे आ अगलियां खबरां नाल, हुंदे लई इन्ना ही। धन्यवाद, सत श्री अकाल।